चुनावों के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने सभी साथियों से नाता तोड़ लिया है। वहीं बात करें हरियाणा की तो बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ हुआ था। गठबंधन टूटने के बाद से राजनीति के दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद व लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संयोजक राजकुमार सैनी ने आइए जानते हैं क्या कहा। एलएसपी बीएसपी गठबंधन पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं दलितों पिछड़े भाइयों को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि ये गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी के साथ दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए बहुत आशाओं के साथ बिना किसी स्वार्थ के राजनीतिक स्वार्थ के किया गया था, जिसमें कोई भी बार्गेनिंग किसी भी तरह की नहीं हुई थी, जिसको लेकर के निचला कुछ नेताओं का बहुत दर्द था, क्योंकि इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं अपने हाथ रंगना चाहते थे, जिसकी वजह से इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। आज निष्पक्षता से मैं बहन जी से बिना बात किए मैं इसके बारे में, ये उनके द्वारा गठबंधन के बारे में जो निर्णय लिया गया है, ये उनका निर्णय है बहन जी का या निचले नेतृत्व का निर्णय है, ये तो वो बताएंगे कि आखिर वो इस कमजोर तबके को किसके नीचे लगाना चाहते हैं और इसको कहां लगा करके अपने हाथ रंगना चाहते हैं, जिनके उत्थान के लिए वो हमेशा दलितों और पिछड़ों के लिए आहें भरते रहे। वो पहले भी कई बार उन लोगों के नीचे उनको लगा करके उनका शोषण करवा चुके हैं। आज फिर अपने हित साधने के लिए ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है, जिसकी कई दिन से मेरे पास नित रोज खबरें चल रही थी, लेकिन मैंने ये बात कही कि मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं वास्तविक तौर पे बंसीलाल के की सरकार में मंत्री था, वहां भेदभाव मैंने दलितों पिछड़ों के साथ देखा, कुर्सी छोड़ दी। फिर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनवाई, वहां भी दलितों पिछड़ों का जो भेदभाव था और बेजुबान जो कठोर वाणी की वजह से हमने उसका विरोध किया, तो जिसमें वहां भी कुर्सी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी। और आज भी जब पूरे देश के तांडव के सामने इतनी बड़ी सरकार झुक गई और वहां पर भी मैंने इस बात का विरोध इसलिए किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कमजोर तबके के हितों को सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन सरकार उसे सुरक्षित करने की बजाय उसे बांटना चाहती है उन लोगों के साथ जिनके हाथ में डंडा है। इस विरोध में सरकार ने विधानसभा में जाकर के उनको आरक्षण देने का जो काम किया था, उसके विरोध में हमने हाई कोर्ट में जाकर के शरण ली थी और उसके बाद जींद के चुनाव में हम अकेले थे, जिसमें हमने लगभग बहुत मजबूत स्थिति के साथ वोट लिए थे, लेकिन अपर कास्ट हमारे से इस गठबंधन से इस वजह से जुदा हुई कि आपने बीएसपी के साथ समझौता किया, वो भी हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन वास्तविक तौर पर जो दलित समाज है और जो पिछड़ा समाज है उनकी हिस्सेदारी 75% लोगों की हिस्सेदारी अभी तक सिर्फ 25% है, और 25% हिस्सेदारी भी क्लास 3 और क्लास 4 की है, अफसरशाही बैकवर्ड क्लास के पास सिर्फ 6% है। इस त्रिस्कार को देखते हुए हम इस गठबंधन के साथ खड़े हैं, हमारी ओर से किसी तरह का भी कोई इसमें कटुता नहीं है। फिर भी जिन लोगों का स्वार्थ यहां पूरा नहीं हो रहा उनको हम जबरदस्ती बांध नहीं सकते और ना उनके स्वार्थ पूरे कर सकते हैं,
यदि वो अपने स्वार्थ कहीं और जाकर के अपने समाज को बेच करके पूरा करना चाहते हैं, इसमें मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप वास्तविक तौर पर इनका हित चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दलित और पिछड़ा इकट्ठा होकर के अपनी लड़ाई खुद लड़े, तो बताइए, आप वो ही बताएंगे कि फिर आप इसको ले जाकर के किन के आगे सरेंडर करना चाहेंगे और अगली आपकी क्या रणनीति है। हम तो इस गठबंधन के साथ लोगों को इंसाफ दिलाने का उम्मीद लगा करके लोगों के बीच जाएंगे, भले वो हमारे साथ खड़े हों नहीं हों, लेकिन दलित समाज के लोगों से हमारी अपनी प्रार्थना है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि वाकई हम कमजोर तबके के इकट्ठे होकर के राजनीति अपने हाथ में लेकर के अपने हितों को सुरक्षित करें, तो आप हमें भी सुझाएं कि आपका और हमारा इस रास्ते से अलावा कौन सा रास्ता है। आप दलितों और पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, तो क्या आगामी रणनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने लोगों से अपील की थी कि आप हमारे इस गठबंधन को वोट करें, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के मुकाबले में किसी भी नेता को जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। बात जनता की एक्सेप्टेंस की थी, हमारे उन्होंने मायावती को या किसी और अदर किसी नेता को प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेवारी देनी नहीं उचित समझी, लेकिन हम फिर भी उसी कमजोर तबके के साथ आज भी खड़े हैं जिन लोगों के हितों को साधने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, मरदे दम तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, कमजोर तबके के लोगों के साथ खड़ा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। आपने देखना है कि हमारा हित कौन देख रहा है, अन्यथा सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में और अपने हित साधने में लगे हुए हैं। भाइयों, मेरा आप सबको प्रणाम नमस्कार, ये आपने देखना है, मैं आपका हूं और आप मेरे। तो हम ये माने कि आप इस SCBC की मुहिम को ऐसे ही चलाते रहेंगे? ये मैं आज से नहीं चला रहा, मुझे लगभग 26 साल इस मूवमेंट में हो गए, बहुत अनेकों दौर आए अनेकों दौर गए, लेकिन मैंने अपना रास्ता कभी ना अलग किया। मैं जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा था, सबकी जैसी संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी, समान रोजगार, एक परिवार एक रोजगार के माध्यम से पॉपुलेशन बढ़ती हुई को रोक करके इस देश का किसान और मजदूर का उत्थान करके ही ये देश विकसित हो सकता है, अन्यथा सबका साथ सबका विकास के भाषण कोरे भाषण है। और हम सार्थक तौर पर प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे कि अगर वाकई आप सबका साथ सबका विकास है तो सबके हिस्से सुनिश्चित करें, जो बैकलॉग है उसे पूरा करें, जो कमजोर तबका जिसके हिस्सेदारी 75% बनती थी और वैसे भी अगर संविधान जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 50% बनती थी, आप 50% पूरा करते हैं, हमें लड़ाई लड़ने की लोड़ ही ना पड़े। तो क्या आप इसमें बसपा प्रदेश के नेताओं को जिम्मेवार मानते हैं? मैं बिल्कुल, इसमें जो निचले स्तर का संगठन है जिसमें प्रभारी हैं अध्यक्ष हैं, उनको बहुत पीड़ा थी कि हमारा जो है दाल फुल्का नहीं चल रहा, जिसको लेकर के बहन जी तक हो सका ये बातें नहीं जाती। मैं इसके बारे में एक जरूर कहूंगा कि जो लोग अपने स्वार्थों के लिए अपने समाज को कहीं ना कहीं जाकर के सरेंडर कराना चाहते हैं, वो घड़ियालू आंसू बहाना बंद करें और समाज के हित के बारे में सोचें, मेरा उनसे भी प्रार्थना है। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।